कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी व्यूअर्स का स्वागत है आज के चैंटिंग सेशन में। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य में प्रकाशित तेज चरण चरण कृत्वा नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी नमो विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणी। हरे कृष्णा हरि बोल डियर व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के चैंटिंग सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग के बाद एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। हरि बोल, आप पहले अपने अपने बीड्स ले आइए, पहले हम महामंत्र चैंट करेंगे 108 टाइम्स और उसके बाद मैं आपके लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स, जिस नेक्टर से हमें ये जानकारी मिलेगी, श्रवणम से हमें ये ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ वी कैन लर्न अबाउट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ दोज सोल्स, ऐसी प्योर सोल्स जो भगवान का होली नेम अपनी जीवा पर लाते हैं, द प्योर सोल्स हु अटर द होली नेम्स ऑफेंसलेसली। ऐसी प्योर सोल्स का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? What does Srimad Bhagavatam tell us about such great souls, such great Mahatmas, such sadhus? तो आइए पहले हम चैंट कर लें हरे कृष्णा महामंत्र। हरि बोल रीमा केशरी जी, संग्राम जाधव जी, हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। गीता थापा जी, भी न्यू व्यूअर्स हैं, अपनी लोकेशन बताएंगे अगर तो मुझे जानकारी मिलेगी आप सब कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। आज काफी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सभी ने फास्ट ब्रेक किया है और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पर आज एकादशी की फास्टिंग है और कल फास्ट ब्रेक होगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस पाप मोचनी एकादशी की जय हमने कल ऑब्जर्व की थी, आज फास्ट ब्रेक किया है। सीमा छनाना जी, कन्हैया जजारा जी, अनिरुद्ध कुमार जी, हरे कृष्णा सभी को। वरुण छाबरा जी हरे कृष्णा, अमित दत्ता जी, जोसेफ एलिंटन, अनिल पाटिल, यशवंत जी, शैलजा रॉय जी, विनोद मिश्र जी, नंद किशोर जी, सीमा सरना, बैसाखी पड़ी जी हरे कृष्णा वेलकम, अनुगर्ग जी, निधि गुप्ता, शत्रुपा घोष जी, वी जय, नेहा शर्मा जी, बॉनी सैगल जी, नीरुधल जी हरे कृष्णा। हमारे रेगुलर व्यूअर्स अभी जल्दी से लिखेंगे दो चीजें, एक तो लिखेंगे पंचतत्व मंत्र, सो दैट नए व्यूअर्स जान लें पंचतत्व मंत्र क्या है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे इस माला पर जिसमें 108 बीड्स हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पंचतत्व मंत्र से। ओके नीरू जी हरे कृष्णा, निधि गुप्ता जी, परमेश्वर दंडोटिकर जी, विकास जी, रामू जी, अजय शुक्ला जी, रविंद्र जी, कोहिनूर जी, मोनिका ग्रोवर जी वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। रविंद्र दास जी, सुजाता जी, शिवम जी, विकास जी, सुजाता जी, दीप्ति जी, दीमा परिहार, लक्ष्मी शर्मा जी हरे कृष्णा। नीरू जी थैंक यू सो मच, आपने लिखा है हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग। ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ राधारानी, ओ लॉर्ड राम, प्लीज एंगेज माई सेंसेस इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस। लक्ष्मी शर्मा जी, बबीता जी, साधन जी, वीरेंद्र जी सहित शिव शंकर, बैसाखी जी, बैसाखी जी ने काइंडली शेयर किया है पंचतत्व मंत्र। पंचतत्व मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदी, गौर भक्त वृंदा, जोसेफ, निधि गुप्ता जी थैंक यू सो मच, बॉनी बेटा आपने भी मीनिंग लिखा है, शिव शंकर जी, हरि बोल मिथिलेश, भयंकर, अनिरुद्ध जी आप दिल्ली से हैं वेलकम टू अवर चैंटिंग सेशन, पूर्णिमा जी ऑल राइट, बॉनी बेटा रोट द पंचतत्व मंत्र टू। सो डियर व्यूअर्स, इस वक्त आपके सामने ये जो लाइव चैंटिंग सेशन चल रहा है, लेट मी शेयर पास्ट
3 months से हम चैंटिंग कर रहे हैं और हम शुरू में अब चैंटिंग शुरू हम चैंटिंग ऑन दीज बीट्स शुरू में ही कर लेते हैं और उसके बाद में हम कुछ करते हैं डिस्कशंस और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. क्वेश्चन ऑफ द डे आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब पार्टिसिपेट करते हैं. तो प्लीज डोंट बी शाई. ओके, ध्यान से पूरे सेशन को सुनिए, श्रवण करिए, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हमारा ये जो टाइम है क्वालिटी टाइम है, कृष्णा कॉन्शियस टाइम है. इसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू हियर अबाउट नेम फॉर्म एक्टिविटीज पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड एंड हिज एग्जॉल्टेड डिवोटीज. सीमा जी हरे कृष्णा, साहिल जी, शिवानी जी, इंद्रेश जी, नेहा शर्मा जी, हरि बोल सभी को. ऑल राइट, और अब हम शुरू कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्रा. मैं श्रीला प्रभुपाद जी का वीडियो यानी कि श्रीला प्रभुपाद जी की आवाज में हरे कृष्णा महामंत्र चला रही हूँ, जिसे कि हमें उनका एसोसिएशन मिलेगा एंड वी कैन चैंट विद हिम. ओके, सो सबसे पहले हम बोलेंगे पंच तत्व मंत्र. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद. और ये जो बीज है उनके सबसे पहले वाले बीज से आप शुरू करेंगे, मोटे वाले साइड से, बड़े बीज की साइड से. ओके, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्णा हरे बोल डियर डिवोटीज। सो आइए देखते हैं आप में से कितने लोगों ने हमारे साथ आज चैंट किया। अनुगर्ग जी वंडरफुल, दीपांकता जी हरि बोल, नेहा शर्मा जी, वनिसागर, आप सभी ने चैंट किया। सदीक्षा नरेंद्रन जी हरि बोल, गुड टू सी यू ऑल हियर। हरविंदर परमार जी, मोनू सिंह जी, सनशाइन, हरे कृष्णा, राजीव दास जी, मधु प्रकाश जी, अभिजीत विश्वास जी, सुमन साहू, मिथिलेश कुमार, आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। कृपया जो लोग हमारे लाइव को स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं जाएंगे, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेशन में तो शांति से ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट विद ऑल प्रॉपर बिहेवियर इन दिस चैंटिंग सेशन। ओके, अभिजीत विश्वास जी, सुमन साहू जी, मिथिलेश जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। आई एम जस्ट चेकिंग नरेंद्रन जी, आपने भी माला चैंट की, वेरी नाइस। लेट मी सी और कितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज हमारे साथ चैंट किया, और जो न्यू व्यूअर्स हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम आगे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आइटम होता है चैंटिंग सेशन में, मैं यूजुअली लाती हूँ टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए टीचिंग्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 3, और इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 33 से वर्स नंबर, लेट मी फिल अप द वर्स नंबर फॉर यू, वर्स नंबर 7। सो आप वेदाबेस में जा सकते हैं, या तो मैं आपके साथ लिंक अभी शेयर कर रही हूँ, किसी रीजन से मेरा टैब किल हो गया, तो मैं जस्ट विंडो आई एम ओपनिंग इट अप और आपसे शेयर कर रही हूँ। हरे कृष्णा, और इस व्यू में आप रीड कर सकते हैं पूरी की पूरी वर्स नंबर 6 और 7। तो पहले तो वर्स नंबर 6 पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे वर्स नंबर 7। वी आर ऑन कैंटो 3 चैप्टर 33 वर्स नंबर 6। ओके, पहले मैं वर्स नंबर 6 आपसे शेयर कर रही हूँ। डियर व्यूअर्स, जो न्यू हैं, हम श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स का अभी श्रवण करेंगे, साथ में अध्ययन करेंगे और उसकी टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सब इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम चैंटिंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एंगेज यूजिंग अवर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, वी आर ट्राइंग टू एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस, इन द एक्टिविटीज ऑफ भक्ति, और इसके लिए हम प्रभुपाद की टीचिंग्स पढ़ते हैं, हमारे वैष्णवाचार्य की टीचिंग्स पढ़ते हैं, हम भगवत कथा पढ़ रहे हैं। हरि बोल। सीमा जी, आपने भी चैंट किया, वंडरफुल। हरे कृष्णा, आई एम गेटिंग फैमिलियर विद फ्यू नेम्स हियर जिन्होंने कल भी ज्वाइन किया था। परमेश्वरी जी, आपने भी चैंट किया, वंडरफुल। शंभू जी, राजीव दास जी, कृपया अपने कमेंट्स इस चैंटिंग सेशन के स्कोप तक ही रखें, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द ऑडियंस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द व्यूअर्स। अपने जो कमेंट्स हैं उनके लिए आप केयरफुल हो जाइए, आपके कुछ कमेंट्स हटा दिए गए हैं, अगर आपने फिर भी कंटिन्यू किया डिस्टर्ब करना तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, हरि बोल। बैसाखी जी, आपने भी एक माला चैंट की, वंडरफुल। सरिता जी, वेलकम। संग्राम भत्रा जी, हरि बोल। कृष्णप्पा, सीमा राय, पंकज साहा, सीमा छनाना जी, आपने भी चैंट किया, अनिल पाटिल, मिथिलेश कुमार जी वेलकम, विष्णु जी, सदीक्षा जी आप लौट पे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट श्रवण कर सकते हैं। अमीशा सिंह जी, हरे कृष्णा, नाइस टू सी यू टू। रमा खिंडरी, नीरुधल जी, आपने भी चैंट किया, वंडरफुल। लक्ष्मी शर्मा जी, मानिक अग्रवाल जी, यू ऑल्सो चैंटेड, दिस इज रियली वंडरफुल। शंभू जी, परमेश्वर जी, नरेंद्रन जी, हरे कृष्णा, सुजाता जी, ऑल राइट।
तो मैंने सब्जेक्ट जो आज का मेंशन किया था, जो डिस्क्रिप्शन में आप रीड कर सकते हैं कि वी विल लर्न अंडरस्टैंड मोर, आज हम इस बारे में और जानकारी डेवलप करेंगे कि जो भगवान के होली नेम्स चैंट करते हैं, इस संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी सोल्स, प्योर सोल्स जो ऑफेंसलेसली भगवान का नाम लेते हैं, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। तो आइए ध्यान से सुनिए और बाद में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके रेस्पॉन्स जब आप देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हरि बोल। प्लीज डियर व्यूअर्स, अपने फोन नंबर्स मत लिखिए इस चैंटिंग के कमेंट्स में। हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी फेसबुक पेज की लिंक, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, ताकि यू नो इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, अगर आप फील करते हैं आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और हमारी जो पास्ट की रिकॉर्डिंग्स हैं इन सेशंस की, आप उनको यूट्यूब चैनल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दोनों की लिंक्स हमने आपसे शेयर कर दी है, ठीक है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और यू विल हियर बैक फ्रॉम अस। अगर आपने कोई क्वेश्चन शेयर किया है तो विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर दिस लाइव यू विल हियर बैक फ्रॉम अस। ओके, सुजाता जी, हरे कृष्णा, नेहा सुकेश जी, सुजाता जी ने आज 14 माला चैंट किए, दिस इज रियली वंडरफुल, प्लीज चैंट, ट्राई टू चैंट देम अटेंटिवली। ओके, शैलजा जी, आपने भी एक माला चैंट की, दिस इज वंडरफुल। मंजू जी, ऑल राइट, सो हमने काफी कमेंट्स कवर कर लिए हैं, आई होप किसी के क्वेश्चंस मिस नहीं हुए हैं। आप में से जितने भी लोग एकादशी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पाप मोचनी एकादशी की जय, ऑल द बेस्ट। कल टाइम से प्राण टाइम पर अपना फास्ट ब्रेक करिएगा, और हमने कल जो लाइव किया था उसमें एकादशी की स्टोरी भी कवर की थी और तुलसी महारानी की महिमा भी कवर की थी। तो आप कल की रिकॉर्डिंग को जाकर वॉच कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें फेसबुक पेज पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, हरी बोल। तो कल की जो रिकॉर्डिंग है या कल से पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे लाइव की, वो इस फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। तो आप कहीं पर भी इनमें से दोनों जगहों पर ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको कन्वीनियंट है। हरी बोल। सो लेट्स ओपन द श्रीमद् भागवतम। और जैसा कि हमारे वैष्णव आचार्य हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे वो क्लासेस करते रहे हैं फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स, हम भी श्रीमद् भागवतम करने से पहले, श्रीमद् भागवतम की वर्सेस करने से पहले वी विल ऑफर प्रेयर्स। आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड गुरु प्रणति एंड श्रील प्रभुपाद प्रेयर्स, तो इस वक्त मैं केवल जो श्रीमद् भागवतम क्लास से पहले प्रेयर्स बोलते हैं वो प्रेयर्स ऑफर करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्येत्। श्रोतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई बिलीव जो लिंक मैंने शेयर किया है श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 33 वर्स 6, आज हम करने वाले हैं वर्स नंबर 6 और 7 इस चैप्टर की। क्योंकि रिसेंटली जब मैं स्टडी कर रही थी इन वर्सेस को, तो मैंने रियलाइज किया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल शुड रीड दिस वर्सेस, इनके पर्पज से हमें एसेंस समझ लेना चाहिए। तो आइए सब साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो मैं संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इन वर्सेस का ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। वर्स नंबर 6 का पहले ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर परपट पढ़ेंगे और बीच में करेंगे डिस्कशन। तो आइए देखते हैं वर्स नंबर 6 में क्या है, और मैं थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं इस चैप्टर के बारे में। लॉर्ड कपिल देव भगवान के इनकारनेशन है, वो अपनी मदर देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे हैं, उन्हें पूरी नॉलेज दी है हाउ टू ओवरकम द मटीरियल बॉन्डेज इन दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस, हाउ टू ओवरकम दिस साइकिल ऑफ बर्थ ओल्ड एज डेथ डिजीज, एंड हाउ टू कम क्लोजर टू कृष्णा, हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। ये पूरा ज्ञान दिया है उन्होंने इस कैंटो में, डिफरेंट चैप्टर्स में। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कर रहे हैं वर्स नंबर 6 और 7, जहाँ पर होली नेम्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है। ओके हरि बोल, आई होप दिस इज हेल्पफुल बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द वर्सेस। ओके संजीव कुमार वशिष्ठ जी, सुजाता जी, हरे कृष्णा। जो व्यूअर्स अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार और हम बता दें, हमने हरे कृष्णा महामंत्रा कर लिया है। इस वक्त हम टीचिंग्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 33। और एक बार फिर से मैं ये लिंक डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स स्क्रॉल कर गए हैं एंड नए व्यूअर्स को दिखेगा नहीं, तो आई होप दे कैन सी दिस। ओके हरि बोल नेहा शर्मा जी, आई होप यू कैन सी द वर्स वी आर गोइंग टू रीड। वृंदावन चंद्रदास जी, हरे कृष्णा। सुजाता बवधंकर जी, हरि बोल। अर्जुन उदेद्रा, हरि बोल। ऑलराइट, टू से नथिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ पर्संस हु सी द सुप्रीम पर्सन फेस टू फेस, इवन अ पर्सन बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he utters the holy name of Supreme Personality of Godhead or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances or even remembers him. तो यहाँ पर Supreme Personality of Godhead, जो कि जिनको Supreme Person की तरह refer किया गया है, और ये जो नॉलेज है ना, ये जो वर्ड्स हैं, ये हैं कपिल देव जी के हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार है, और वो अपनी माता श्री, अपनी मदर को, देवाहुति जी को ज्ञान दे रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे हैं, ग्लोरीज बता रहे हैं होली नेम्स की। और वो बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लिविंग एंटिटीज होते हैं, जो भगवान से जिनका साक्षात्कार हो सकता है फेस टू फेस, उनके बारे में क्या बोला जाए। यहाँ तो जो इवन डॉग ईटर्स, यानी बहुत ही सिंफुल लोग होते हैं ना, जो डॉग्स को तक खाते हैं, पर्सन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, ऐसी फैमिली में जिनका जन्म हुआ होता है, वो भी इतने प्यूरिफाई हो जाते हैं कि उन्हें एलिजिबिलिटी मिल जाती है वैदिक यज्ञ करने की, अगर वो एक बार भी भगवान के नाम अटर करते हैं, चैंट करते हैं, या फिर श्रवण करते हैं भगवान की लीलाएं, या फिर उन्हें प्रणाम करते हैं, या फिर उनका स्मरण करते हैं। तो आइए यहाँ परपट में देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे साथ और क्या नेक्टर शेयर किया है। इस पर्टिकुलर परपट में आई थिंक 4-5 बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, जिसका जिनके मेन जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल पोटेंसी बताई गई है, चैंटिंग, हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, इस पे स्ट्रेस दिया गया है। और जो श्रील रूपा गोस्वामी हैं, जो वन ऑफ द 6 गोस्वामीज हैं हमारे भक्ति परंपरा के, वन ऑफ द एग्जॉल्टेड वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने डिस्कस किया है कि सिनफुल एक्टिविटीज जो होती है ना, जब इस मटेरियल कंडीशनिंग में जब हम भूल जाते हैं दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान, और हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं और कंडीशनड हो जाते हैं, वी वांट टू एक्सप्लॉइट द नेचर, वी वांट टू लिव अ सेल्फिश लाइफ, बेसिकली वी आर नॉट इन रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव अ वेरी सिनफुल वे ऑफ लिविंग।
और उन्होंने एक्सप्लेन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि इस तरीके की सिचुएशन और लाइफ से लोग एलिवेट कर सकते हैं. दोज हु एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बिकम फ्रीड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज. तो ये बात हाईलाइट की गई है कि भक्ति के द्वारा वन कैन गेट फ्री फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज. और ये भगवद गीता में भी ये हमें ज्ञान मिलता है. लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स हैं जो अर्जुन के लिए श्रील प्रभुपाद ने भी एक्सप्लेन की हैं. भगवान कहते हैं, भगवद गीता का रेफरेंस है यहाँ, कि जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं, जो भगवान को सरेंडर कर लेते हैं, तो भगवान उन्हें पूरी इम्यूनिटी देते हैं अगेंस्ट ऑल द रिएक्शंस फ्रॉम सिनफुल एक्टिविटीज. सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. इफ बाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वन बिकम्स सो स्विफ्टली क्लियर्ड ऑफ ऑल रिएक्शंस टू सिनफुल एक्टिविटीज देन वॉट इज टू बी सेड ऑफ पर्सन्स हु सी हिम फेस टू फेस. तो यहाँ इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि केवल चैंटिंग करने मात्र से ही इतना तेजी से सारे सिनफुल एक्टिविटीज के रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. तो उनके बारे में क्या बोला जाए जो भगवान से फेस टू फेस मिलते हैं. तो यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि रेफरेंस आया है, भगवान ने भगवद गीता में कहा है अर्जुन से सरेंडर के बारे में. आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस करते हैं. मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोगों को याद है भगवद गीता में भगवान ने एश्योरेंस दिया है अर्जुन को, जिसके कारण हम पूरी ह्यूमैनिटी को एश्योरेंस है. भगवान ने कहा है अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, जस्ट सरेंडर अन टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिनफुल रिएक्शंस, डू नॉट फियर. भगवान ने किस पॉइंट पर अर्जुन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट करिए. I would like to see. I'm really interested to know if you remember, क्योंकि ये टॉपिक कई बार आता है डिस्कशंस में और हमने कई बार मेंशन भी किया है. नेहा जी कहती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ महामंत्र इज अनलिमिटेड एंड एक्सेप्शनल, ओनली वन हु चैंट्स नोज दैट व्हाट मिरेकुलस शक्ति इट गिव्स टू डिवोटी मे ऑल गेट द फॉर्च्यून एंड प्रिविलेज ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा द यूनिवर्सल सुप्रीम लॉर्ड. यस, महामंत्र इज रियली पावरफुल एंड पोटेंट. और वेन यू गेट अ चांस इन फ्यूचर, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड लाइक टू एट सम पॉइंट डू अ सेमिनार ऑन ग्लोरीज ऑफ होली नेम. एंड ये भी स्टेजेस होती हैं, चैंटिंग ऑफ होली नेम की भी स्टेजेस होती हैं. शुरू में अपराध होते हैं, वी डू ऑफेंसेस, चैंटिंग में ऑफेंसेस होते हैं हमसे, बट हमारे अंदर ईगरनेस होती है, सो वी वॉन्ट टू लर्न टू चैंट एंड वी चैंट. ओके, एंड देन स्टेज आती है क्लियरिंग स्टेज, नामाभास बोलते हैं, और उसमें भी धीरे धीरे ऑफेंसेस क्लियर होते रहते हैं. और उसके बाद स्टेज आती है शुद्ध नाम, यानी प्योर चैंटिंग, ऑफेंसलेस चैंटिंग. तो इस पूरी प्रोसेस से जब हम जाते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है फेथ का. ये क्लोजली टाइड अप है. जैसे जैसे हमारा फेथ स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे हमारी चैंटिंग बेटर होती जाती है. हरि बोल. थैंक यू नेहा जी फॉर मेंशनिंग दिस. कृष्णा सिंह जी, बिमला जी, श्याम कृष्ण जी, नीलम कुकरेती जी, हरे कृष्णा. आगे बढ़ते हैं. Another consideration here is that persons who are purified by the process of chanting and hearing become immediately eligible to perform Vedic sacrifices. तो यहाँ eligibility बताई गई है कि जो इस तरीके से chanting करते हैं, श्रवण करते हैं और chant करते हैं कीर्तनम, वो तुरंत eligible हो जाते हैं immediately to perform Vedic sacrifices. और Vedic sacrifices क्यों mentioned है? क्योंकि ये standard माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि कितना purified personality है कि वो Vedic sacrifices करते हैं. ब्राह्मणों को माना जाता था ऐसा purified state में कि वो Vedic sacrifices करें. तो generally उसकी भी एक spiritual life की cycle होती है. तो यहाँ देखिए लिखा गया है generally one only a person who is born in the family of Brahmins who has been reformed by 10 kinds of purificatory processes and who is learned in Vedic literature
इज अलाउड टू परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। ये काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी है। बैकग्राउंड अगर आपका इंडिया से है तो हम जानते हैं किस तरीके से फैमिली ऑफ ब्राह्मण्स ये हेरिडिटरी तरीके से फॉलो करते हैं परंपरा, और उनके संस्कार भी ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सद्य वर्ड जो यूज़ हुआ है इमीडिएटली, जो हमने पहले स्ट्रेस दिया था, और श्रीधर स्वामी जी हैं जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं कि वन कैन इमीडिएटली बिकम एलिजिबल टू परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस अगर कोई होली नेम्स चैंट कर रहा है। अ पर्सन बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ लो कास्ट विच इज अकस्टम टू ईटिंग डॉग्स इज सो पोजिशन ड्यू टू हिज पास्ट सिनफुल एक्टिविटीज। इवन जो लोएस्ट फैमिली में भी बॉर्न होता है ना, यानी कि ऐसे उनके काम होते हैं कि दे आर डॉग ईटर्स, ये भी उनके पास्ट लाइफ के डीड्स होते हैं, बहुत लो लेवल के होते हैं कि उनका इस तरह की फैमिली में जन्म होता है, पास्ट की सिनफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ऐसी फैमिली का पर्सन भी अगर चैंटिंग करेगा, हियरिंग करेगा प्योरिटी में, यानी ऑफेंसलेसली, तो ही विल बी इमीडिएटली रिलीव्ड ऑफ सिनफुल रिएक्शंस। और केवल सिनफुल रिएक्शन से रिलीव नहीं होते, बल्कि उन्हें तुरंत सारे प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस का रिजल्ट भी मिलता है। सारे संस्कार जो किए जाते हैं प्यूरिफिकेशन के, सभी से सभी का रिजल्ट मिल जाता है। तो आगे पढ़ेंगे, टेकिंग बर्थ इन द फैमिली ऑफ ए ब्राह्मण इज सर्टेनली ड्यू टू द पायस एक्टिविटीज ऑफ वंस लाइफ। और हमने बार बार स्क्रिप्चर्स में यही टीचिंग्स देखी हैं कि अगर हम भक्ति की लाइफ में रहते हैं तो इतना तो गारंटीड है कि नेक्स्ट लाइफ वी विल बी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ ब्राह्मण या फिर वेल्दी पर्सन की फैमिली में, सो दैट वी कैन कैरी ऑन विद अवर डिवोशनल लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। वन मिनट, लेट मी गेट सम वाटर। सो यहाँ पे फाइनली स्ट्रेस इसी बात पर है कि अ पर्सन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इवन इफ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ चंडाल डॉग ईटर डज नॉट नीड रिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि होली नेम्स इतना प्यूरिफाइंग है, इट प्यूरिफाइज एवरीवन इंक्लूडिंग द चैंटर, द वन हु चैंट्स एंड वन हु हियर्स। एंड सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा ही इमीडिएटली बिकम्स प्यूरिफाइड एंड बिकम्स एज गुड एज मोस्ट लर्नड ब्राह्मण। वाई? क्योंकि फेथ की बात होती है और प्यूरिफिकेशन की बात होती है। वेन वी चैंट द होली नेम्स ऑल अवर सेंसेस गेट प्यूरिफाइड, वी एलिवेट आउट ऑफ मटीरियल कंडीशनिंग, वी राइज अबव द लोअर मोड्स ऑफ नेचर। तो पर्पस क्या होता है, ये जो रिफॉर्मेशन के रिचुअल्स होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, दे आर सपोज टू ब्रिंग इन प्यूरिफिकेशंस। बहुत पास्ट की करोड़ों करोड़ों लाइफ्स के जो सिंस होते हैं, ये प्यूरिफाई करने होते हैं, देन एनीवन कैन कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ ब्राह्मण। लेकिन वन हु चैंट्स द होली नेम, तो ये पुराणों में भी दिया हुआ है, ये पूरी महिमा दी हुई है। तो श्रीधर स्वामी जी, वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। श्रीधर स्वामी जी स्पेशली रिमार्क करते हैं कि अनेन पूज्यात्वम लक्ष्यते, सम कास्ट ब्राह्मण रिमार्क दैट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा प्यूरिफिकेशन बिगिंस। ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, पर बार बार श्रीधर स्वामी जी ने इसी पर स्ट्रेस डाला है कि इफ वन चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड विदाउट ऑफेंसेस। अगर हम ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो आई वॉन्ट टू रिविजिट, हमने बात की थी 10 ऑफेंसेस की, 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। लेट मी सी आप में से कितने लोगों को याद है, क्योंकि इस वक्त हमें रिविजिट कर लेना चाहिए ये टॉपिक। व्हाट आर द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम? डू यू रिमेंबर इट? इफ यू रिमेंबर इट, इवन वन ऑफेंस टू द होली नेम, प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स। आपको मैं 2 मिनट दूंगी, जल्दी से हम चाहते हैं रिविजिट कर लें, रिवाइज कर लें। व्हाट आर द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम? अगर आपको एक भी ऑफेंस याद है तो जरूर लिखिए। नेहा जी का कमेंट है, थैंक यू माता जी फॉर क्लियरिंग माई डाउट जस्ट बाय माई कमेंट, यू अंडरस्टूड एंड स्पोक अबाउट चैंटिंग एंड स्टेजेस ऑफ चैंटिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दैट सेमिनार। वंडरफुल, विल डू इट समडे। नेहा जी, हरे कृष्णा बागासागा जी। सो डियर डिवोटीज, इस वक्त हमने शेयर किया है कमेंट्स में 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 10 ऑफेंसेस, सो वी ऑल शुड टेक अ क्विक लुक एट दैट। ओके,
जिन्होंने 10 ऑफेंसेस टू होली नेम का सेशन मिस किया था उनके रेफरेंस के लिए हमने 10 ऑफेंसेस पेस्ट कर दिए हैं. यू कैन सेव इट. वी शुड अवॉइड ऑफेंसिव चैंटिंग इफ वी वांट स्पिरिचुअल, इफ वी वांट रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. संजीव कुमार जी, आई वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ संस्कृत नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू वैदिक रिचुअल्स दो आई रिसाइट राम राम जी एंड राधे कृष्णा जी. थैंक यू संजीव कुमार जी, वी अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इन एडमिटिंग दैट दैट इज द सिचुएशन. कलीएज टाइम्स में ब्राह्मण फैमिली में होने के बाद भी पीपल आर लैकिंग ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन. And that is why the emphasis is properly chant the Harinam, follow a regulated lifestyle, and elevate out of the lower modes of nature and come to the platform of being a Vaishnav. A Vaishnav has 26 qualities, and Vaishnavas have the qualities of the pure devotees, jo ki hum bar bar discuss karte hain. They are available from verse 13 to 20 in Bhagavad Gita chapter 12. ठीक है, उसको हम बार बार रेफर करेंगे. वैष्णव क्वालिटीज़ को भी श्रीमद् भागवतम रीडिंग में भी बहुत बार हमें ये नॉलेज मिलेगी. सो मीतू जी, हरे कृष्णा, नीरू जी, नाम अपराध, यस यस, रामू जट जी, ऑल राइट. सो इट्स ओके इफ नोबडी रिमेंबर्स व्हाट दीज नाम अपराध आर. मैंने पूरी लिस्ट लिख दी है 10 ऑफेंसेस की. इसको आप सेव कर लीजिए, इनफैक्ट इसको मेमोराइज कर लें तो अच्छा होगा. आगे बढ़ते हैं. One immediately becomes a respectable as a most learned Brahman and can be allowed to perform Vedic sacrifices. If simply by chanting holy name of Lord one becomes sanctified instantly, then what can be said of those persons who see Supreme Lord face to face and who understand the descent of the Lord as Devahuti understands Kapil Dev. तो जो देवाहुति थी वो कपिल देव की मदर हैं और वो इससे पहले की वर्सेस में डिस्कस कर रही हैं. ये बहुत अमेजिंग है कि भगवान जो हैं उनकी तो बॉडी स्पिरिचुअल है, यट वो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं एंड ही अपीयर्ड इन हर वूम. तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंपली चैंटिंग ऑफ द होली नेम से वन कैन बिकम सैंक्टिफाइड इमीडिएटली. देन वॉट टू टॉक ऑफ दोज जो भगवान को फेस टू फेस देखते हैं, जो कि वो खुद कर रही हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो साक्षात भगवान हैं, उनके अवतार हैं. ठीक है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही टेक्स इनकारनेशन एंड देर इज लॉट ऑफ अदर टॉक गोइंग ऑन, बट वी विल फोकस, हम लोग चैंटिंग के सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे. तो इसके बाद में मेंशन है कि जिस तरीके से दीक्षा डिपेंड्स ऑन अ जेन्युइन गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो डायरेक्शन देते हैं अपने डिसाइपल को, और अगर वो देखते हैं कि उनका डिसाइपल बहुत कॉम्पिटेंट हो गया है, क्वालिफाइड हो गया है, प्यूरिफाइड हो गया है चैंटिंग करके, तो वो उसे देते हैं सेक्रेट थ्रेड यानी कि ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सो दैट डिसाइपल विल बी रिकॉग्नाइज एज 100% इक्वल विद ब्राह्मण. सो दे ये सब हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है. और श्री सनातन गोस्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं जिस तरह की बेस मेटल जैसे कि बेल मेटल वगैरह गोल्ड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस. इसी तरह कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा लेकर ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन ले सकते हैं थ्रू इनिशिएशन प्रोसेस. तो इस तरह इस्कॉन में भी इनिशिएशन प्रोसेस अवेलेबल है. टाइम टू टाइम व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू आई फाइंड अ गुरु, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट. तो वेरी ब्रीफली आई विल टेल यू कि वी हैव टू चैंट ऑल द न्यू पीपल हु आर नॉट इनिशिएटेड, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया और दीक्षा लेने में इंटरेस्ट है जिनको, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको चैंट करना है हरे कृष्णा महामंत्रा मिनिमम 6 months टू अ ईयर किसी डिवोटी की गाइडेंस में, जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं. दे आर योर शिक्षा गुरुज, यू नो दे गिव यू द शिक्षा एंड दे
गाइड यू एंड ट्रेन यू इन एवरी मैनर, और फिर वो आपको रिकमेंडेशन देंगे, आपको हेल्प करेंगे इस पूरे प्रोसेस. आपको फॉर्म भरना होगा दैट आप इंटरेस्टेड हैं कोई पर्टिकुलर गुरु से इनिशिएशन लेने के लिए. आपको इस्कॉन डिजायट्री और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. आपको बहुत सारे सन्यासी के लेक्चर्स मिलेंगे, उनकी लाइफ और उनके काफ़ी रिसोर्सेस मिलेंगे जिससे आप उनके बारे में लर्न कर सकते हैं. और जब आप टेम्पल जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, उनके कीर्तन देख सकते हैं, और इस तरीके से आप एस्पायर कर सकते हैं आप किन से इनिशिएशन या दीक्षा लेना चाहते हैं. पहली जो दीक्षा होती है वो है हरिनाम दीक्षा, ठीक है. तो आपको बीड्स देते हैं गुरु, और उसके बाद में आफ्टर सिक्स मंथ्स टू टू ईयर्स जितना भी पीरियड है पहली दीक्षा के बाद में आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी, यानी ब्राह्मण इनिशिएशन मिलता है. और जो मैन होते हैं उन्हें थ्रेड दिया जाता है और वो गायत्री मंत्र देते हैं आपको. तो इस तरीके से देन आप एलिजिबल हो जाते हैं टू सर्व द लॉर्ड ऑन द ऑल्टर. भगवान के अर्च विग्रह फॉर्म जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है जिन पे उनको आप सर्व कर सकते हैं. राधा रानी के किचन में भगवान के लिए आप भोगा बना सकते हैं. इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. लेकिन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आप हरे कृष्णा महामंत्रा चैंटिंग करते हैं और बाकी भी डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं. थर्ड नहीं, ये लास्ट पैराग्राफ है जो. इट इज़ समटाइम्स रिमार्क दैट बाई चैंटिंग प्रोसेस वन बिगिंस टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ एंड कैन टेक बर्थ इन हिज नेक्स्ट लाइफ इन ब्राह्मण फैमिली एंड देन बी रिफॉर्म्ड. बट एट द प्रेजेंट मोमेंट इवन दोज हु आर बॉर्न इन बेस्ट ब्राह्मण फैमिलीज आर नॉट रिफॉर्म्ड, नॉर इज देयर एनी सर्टेनिटी दैट दे आर एक्चुअली बॉर्न ऑफ ब्राह्मण फादर्स, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ है, वी विल नॉट रीड फुल दिस पैराग्राफ, बट आपको मेन मैसेज दे दें कि चैंटिंग प्रोसेस इतना पावरफुल है, उसी से प्योरिफिकेशन होता है. और उसके बाद जैसे जैसे हम प्योर चैंटिंग स्टेज पर आते हैं बिना ऑफेंसेस के करते हैं, तो यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है. और जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण इनिशिएशन देते हैं. एंड वन वन इज़ वो अपनी जजमेंट लेते हैं डिपेंडिंग ऑन उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है डिसाइपल के बारे में जो दीक्षा लेना चाहते हैं. और जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसी को ब्राह्मण दीक्षा देना है, सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती है बेस्ड ऑन पंचरात्रि का सिस्टम. और ये स्टेटस फिर द्विज बॉन्ड कहलाता है, ट्वाइस बॉन्ड द्विज स्टेटस, द पर्सन हु रिसीव्स ब्राह्मण इनिशिएशन. और so by this process of initiation by spiritual master the person is accepted as brahman in his purified state of chanting the holy name of the lord. Aur is tarah se phir devotees they make further progress and they become a qualified vaishnav and they become more pure. They engage in pure devotional service. और हमने जब रिसेंटली वैकुंठ प्लैनेट्स के बारे में श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया था कि वैकुंठ प्लैनेट्स में सारे प्योर डिवोटीज हैं, वैष्णवाज हैं, एंड उनकी मेन एक्टिविटी क्या होती है, दे आर सर्विंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. एंड ऑल दीज प्योर डिवोटीज हैव ब्यूटिफुल ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद भगवान. हरे कृष्णा. तो आइए अब हम नेक्स्ट वर्स का भी देख लें क्या नेक्टर दिया हुआ है. और मैं इससे पहले आपको यहाँ पर वर्स नंबर 7 की लिंक शेयर कर दूं. पलाश दत्ता जी, हरे कृष्णा, निधि गुप्ता जी, मैंने वर्स नंबर 7 भी आप सभी के साथ शेयर कर दी है इस वक्त. गोपाल बिहारी जी हैं नाइजीरिया से, वेलकम टू आवर सेशन. विनीत अरोड़ा जी, राम कृष्णापल्ली जी, हरे कृष्णा, राजेश कुमार जी, अभिषेक बोस जी, मितु खोवाला, हरि बोल. ऑलराइट, सो वी आर ऑन वर्स नंबर 7. इसमें और भी अच्छी बात बताई है सारी वही मेन पॉइंट वही है कि वी ऑल हैव टू चैंट द होली नेम्स दैट कॉजेज प्यूरिफिकेशन. एंड जैसे जैसे वी मूव फ्रॉम द स्टेजेस ऑफ चैंटिंग टू द शुद्ध नाम स्टेज, देन यू नो वो बहुत ही ग्लोरियस स्टेज है बिकॉज अ पर्सन गेट्स रियलाइजेशंस इन द प्योर स्टेज, दे फील वेरी कनेक्टेड विद भगवान. तो आइए
ट्रांसलेशन पढ़ते हैं वर्स नंबर 7 का. ओ हाउ ग्लोरियस आर दे हूज टंग्स आर चैंटिंग योर होली नेम. इवन इफ बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स सच पर्सन्स आर वर्शिपेबल. ये कह रही हैं देवहूति. शी इज ग्लोरीफाइंग हर ओन सन. लेकिन वो अपने पुत्र के बारे में जान चुकी हैं कि वो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं. सो शी इज ग्लोरीफाइंग हिम एंड शी इज ग्लोरीफाइंग द डिवोटीज हु चैंट द होली नेम्स. तो बोल रही है हाउ ग्लोरियस आर दोज टंग्स हु आर चैंटिंग योर होली नेम. इवन इफ बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर सच पर्सन्स आर वर्शिपेबल. तो चाहे ऐसे पर्सन्स बहुत ही लोली फैमिली में भी बॉर्न होते हैं पर वो वर्शिपेबल होते हैं. पर्सन्स हु चैंट द होली नेम ऑफ योर लॉर्डशिप मस्ट हैव एग्जीक्यूटेड ऑल काइंड ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड फायर सेक्रीफाइसेज एंड अचीव्ड ऑल गुड मैनर्स ऑफ आर्यंस. To be chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at the holy places of pilgrimage, studied the Vedas and fulfilled everything required. तो जितनी भी जितने भी standards हैं ना कि Vedas को read करना, holy places में जाना और Aryans उनको बहुत civilized माना जाता है, वो standard है. Aryans are the people who are very civilized. They have all the great etiquettes and great manners. And then स्टैंडर्ड ऑफ फॉलोइंग द ऑस्टियरिटीज. तो यहाँ पर देवहूति जी बोल रही हैं ऐसे सोल्स कितनी ग्लोरियस हैं जो आपके होली नेम्स चैंट कर रहे हैं, चाहे वो लो फैमिली में ही बॉर्न हो लेकिन वो बहुत ही वर्शिपेबल हैं. और हमें ये इक्विवेलेंट समझना चाहिए कि उन्होंने सारी तरह की जब तब ऑस्टियरिटीज की हुई हैं, उनके पास सारे गुड मैनर्स और एटिकेट्स हैं जो जो हमें मिलती हैं पुण्य, जो पुण्य हमें मिलता है होली प्लेसेस पिलग्रिमेज जाने से और वेदास को पढ़ने से, वो सब उन्होंने अटेन किया होता है. तो अब पर्पट में आ जाते हैं. यहाँ लिखा हुआ है अ पर्सन हु हैज वंस ऑफेंसलेसली चैंटेड द होली नेम ऑफ गॉड बिकम्स इमीडिएटली एलिजिबल टू परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस. शिला प्रभुपाद की जय. ये जो पर्पट्स है ना, ये शिला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करके लिखे हैं, टीका टिप्पणी है जो ट्रांसलेशन है उनके. So one should not be astonished by the statement of Srimad Bhagavatam. हम ये Srimad Bhagavatam का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं इस वक्त, और हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए. हमें डिसबिलीव भी नहीं करना चाहिए कि भाई ये चैंटिंग के कारण कैसे कोई पर्सन इतना होली हो सकता है कंपेयर टू कोई ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हो. तो यहाँ पर ये सारे डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग बिलीव नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में और बोलते हैं जी प्रूफ दिखाइए आप ब्राह्मण फैमिली के हैं, भाई हम नहीं मानते कि आपके पास चैंटिंग के कारण यू आर क्वालिफाइड इनफ. सो ये डाउट्स क्लियर करने के लिए ये बात बताई जा रही है. और इस वर्ष से ये भी कन्फर्म हो रहा है कि जो स्टेजेस होती है ना चैंटिंग की, होली नेम्स की चैंटिंग की, वो सडन नहीं होती हैं. द फैक्ट दैट आप सभी इस चैंटिंग के सेशन में हैं इस वक्त और आप में से काफ़ी सारे लोग रोज़ हमारे साथ चैंटिंग की कॉल में आते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं पूरे फेथ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ. इवन दो यू आर वर्किंग फुल टाइम, इवन दो यू हैव स्मॉल किड्स, इवन दो यू हैव सेवरल फैमिली मेम्बर्स लिविंग विद यू, पर आप पूरे डेडिकेशन के साथ चैंट करते हैं. और बहुत से लोग तो काफ़ी यंग हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, वो कॉलेजेस में हैं और बहुत प्रेशर्स हैं उनके पास, फिर भी दे हैव डेवलप्ड द टेस्ट ऑफ चैंटिंग. सो व्हाट डज दैट टेल अस? दैट टेल्स अस अबाउट देयर पास्ट लाइव्स, कि सडनली उन्हें इतनी एफिनिटी कैसे हो गई है चैंटिंग के साथ, भगवान के होली नेम्स के साथ. सो बार बार इन दोनों वर्सेस में यही बताया जा रहा है कि ऐसी जो पर्सनालिटीज हैं, ऐसी जो सोल्स हैं, हमें ये पता चलता है कि वो अपने पास में काफ़ी वैदिक रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके आ चुके हैं ऑलरेडी. और यहाँ पे फर्दर बताया जा रहा है कि ये सब सडन नहीं हो रहा है, इन चैंटर्स ने ऑलरेडी वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस पास में परफॉर्म की हुई हैं. और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इस लाइफ में भी ऐसे सारे चैंटर्स भगवान का नाम ले रहे हैं. और यहाँ लिखा है फॉर नो वन इन दिस लाइफ कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. ये फैक्ट है अनलेस ही हैज पास सारी लोअर स्टेजेस.
such as performing Vedic ritualistic sacrifices, studying the Vedas and practicing good behavior like that of Aryans. ये सब चीजों को inferior माना गया है compared to chanting of the holy names. So जिस तरह का example दिया हुआ है कि जैसे कि किसी law school में ऐसा समझा जाता है कि जो law school में है वो already general education उसने already की हुई है past में, तो इसी तरह जो व्यक्ति भगवान के होली नेम्स की चैंटिंग करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जान लेना चाहिए हमें कि उस पर्सन ने भी अपनी लाइफ में पास्ट में लोअर स्टेजेस सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं या उसके अबव एंड बियॉन्ड जा चुके हैं, सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस करके आ चुके हैं. हमें इसकी कोई रिमेम्बरेंस नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ में ऐसा हो चुका है. इट इज सेड दैट दोज हु सिंपली चैंट द होली नेम विद द टिप ऑफ देयर टंग आर ग्लोरियस. One does not have to chant the holy name and understand the whole procedure. आपको ये सब डिटेल जानकारी जानने की भी जरूरत नहीं है. नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम स्टेजेस, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये सब भी जानने की जरूरत नहीं है. अगर यू हैव अ टेस्ट एंड अब्सॉर्प्शन इन चैंटिंग द होली नेम्स, यू हैव दैट फेथ दैट यू कैन टोटली डिपेंड ऑन कृष्णा. इफ यू हैव दैट, then you don't need to worry about understanding all the shastras and technical details. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. जब तक आपको affinity है, strong inclination है, just holy names को, you know, you can't leave chanting that, then you don't need to go through all the purificatory processes. And it is said herein that a naam or a singular number, one name, कृष्ण और राम इज सफिशियंट. और ऐसे में केवल एक कृष्ण और राम बोलना भी सफिशियंट है. इट इज सेड हियर इन दैट, ओके, इट इज नॉट दैट वन हैज टू चैंट ऑल द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान के कितने नाम है आपको क्या लगता है? भगवान के इनफिनाइट नेम्स हैं. क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं इनफिनाइट हैं और भगवान के सारे जो नाम होते हैं ना वो सारी लीलाओं पे बेस्ड होते हैं. तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो जितना ज़्यादा भगवान के नेम्स जानता है वो उतना नॉलेजेबल है या उसमें उतनी ज़्यादा श्रद्धा है. एक नाम, केवल एक नाम ही सफिशिएंट होता है अगर पूरी श्रद्धा है और उसको हम ऑफेंसलेसली रिसाइट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं. सो द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड आर इन्यूमरेबल. देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं. एंड वन डज नॉट हैव टू चैंट ऑल द नेम्स टू प्रूव दैट ही हैज ऑलरेडी अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज. इफ वन चैंट्स वंस ओनली, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही हैज पास्ड ऑल द एग्जाम्स. अगर कोई एक बार भी चैंट कर ले, एंड नॉट टू स्पीक ऑफ दोज हु आर चैंटिंग ऑलवेज 24 आवर्स अ डे, तो उनकी क्या बात कहें जो 24 आवर्स अ डे भगवान का नाम लेते हैं. यहाँ तो बोल रहे हैं कि एक बार भी जो भगवान का नाम चैंट कर लेता है, हाउ? विद फेथ, विद डिवोशन, ऑफेंसलेसली. यहाँ बार बार ये मेंशन नहीं है पर वो इंप्लाइड है, हमें समझना बहुत जरूरी है इन बिटवीन द लाइंस. इफ वन चैंट्स वंस ओनली, इट इज टू बी अंडरस्टूड ही हैज ऑलरेडी पास्ड ऑल एग्जाम्स, नॉट टू स्पीक ऑफ दोज हु आर चैंटिंग ऑलवेज 24 आवर्स अ डे. आगे पढ़ते हैं. इट इज स्पेसिफिकली सेड तुभ्यम अनटू यू ओनली वन मस्ट चैंट गॉड्स नेम. कैसे चैंट करना चाहिए? नॉट लाइक मायावादी फिलोसफर्स जो कि कुछ भी नाम चैंट करते हैं, किसी भी डेमेगॉड का नेम चैंट करते हैं, एनर्जीज का नाम चैंट करते हैं. केवल भगवान के नाम आर इफेक्टिव. और जो कंपेयर करते हैं होली नेम को डेमेगॉड्स के नेम के साथ बराबर समझते हैं, उनको श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ऑफेंडर. और अगर आप देखेंगे 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम्स की लिस्ट में, दिस इज लिस्टेड एज वन ऑफ द ऑफेंसेस. तो समराइज्ड तरीके से इसको अगर आप समझना चाहें तो बार बार स्ट्रेस यही है, इफ वन चैंट्स वंस ओनली, एक बार भी ऑफेंसलेसली अगर चैंट करता है कोई, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट ही हैज ऑलरेडी पास्ड ऑल एग्जाम्स, not to speak of those who are chanting always 24 hours a day. तब सोचिए उनकी क्या सिचुएशन है,
क्योंकि हम तो जानते हैं ना, रिसेंटली वैकुंठ प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन और ब्यूटी जो हमने पढ़ी है, वैकुंठ वासीज की एक्टिविटीज़ पढ़ी है, दोज आर द पर्सनैलिटीज हु आर चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम 24/7। और हमने शीला हरिदास ठाकुर जी का पास टाइम भी कवर किया था, ही इज द नामाचार्य, ही यूज टू चैंट 24/7, इजंट इट। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। हरे कृष्णा, लेट मी सी योर कमेंट्स। गोपाल बिहारी जी, हरे कृष्णा। निधि जी, संजीव कुमार जी, वन हु हैड ऑलरेडी टेकन गुरु नाम दान इज ही एलिजिबल फॉर टेकिंग गुरु दीक्षा अगेन? संजीव जी, आपका क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट नहीं है। आप विद इन इस्कॉन की बात कर रहे हैं, यानी अगर किसी ने बाहर कहीं दीक्षा ली हुई है और वो अब इस्कॉन में आके दीक्षा लेना चाहते हैं, आई थिंक दे कैन डू दैट, बट लेकिन इसका प्रोसेस है। और आइडियली यू नो, एज ए पर्सन पर्सन टू पर्सन इंट्रैक्शन, अगर आप कोई दूसरा गुरु लेना चाहते हैं, हमेशा अपने प्रीवियस गुरु के पास जाकर आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उनके साथ जो भी प्रोसीजर करना है पूरा करके देन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप। ओके प्रीति जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। श्योर, पूछिए आपका क्वेश्चन। मीतू जी, हरे कृष्णा। क्या अगर आपके पास एक स्पेशल नीड चाइल्ड, तो किसके कर्मास आर बैड चाइल्ड और पेरेंट्स इफ इट इज ऑल अबाउट कर्मास? हरे कृष्णा, ये एक्चुअली जो कर्मास का है ना, दो बातें हैं। एक तो पहली बात, अगर आप भक्ति की लाइफ में है ना, तो वी डोंट ड्वेल टू मच ऑन कर्मास। इट्स लाइक इफ अ हाउस इज ऑन फायर, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते हैं कि आग किसने लगाई, कितने बजे, रैदर वी ट्राई टू पुट फायर, पुट आउट द फायर, पानी डालते हैं, आग बुझाते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। सिमिलरली अगर किसी रीजन से लाइफ में चैलेंजेस हैं, स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, कई बार यू नो डिजीजेज होते हैं, बहुत टर्मिनल डिजीजेज होते हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन यही है शीला प्रभुपाद का कि लुक एट द सोल्यूशन। वॉट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज फ्रॉम दिस ब्लेजिंग फायर ऑफ मटीरियल कंडीशनिंग, ओनली टेकिंग शेल्टर ऑफ भगवान इज द रेमेडी, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। तो रेमेडी पे फोकस करिए, लेकिन आपका स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, कर्मास का भी ना साइकिल होती है, फेजेज होते हैं, तो इसमें आप दोनों का, पेरेंट का और चाइल्ड का दोनों का कर्मास है। उसके अलावा जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना, सभी का एसोसिएटेड कर्मास की हिस्ट्री होती है। तो ये दिस कर्मा टॉपिक कैन बी रियली डीप विद रेस्पेक्ट टू द एस्ट्रोलॉजी, एंड अगेन सो एज नॉट टू डिस्ट्रैक्ट यू टू मच। सो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू, व्हाट इज द सॉल्यूशन, और उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज हेल्पफुल। प्रीति जी, नीतू जी, देवाशीष जी, नेहा सुकेश जी, माँ प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। नेहा जी, आई डोंट नो वट वॉज योर क्वेश्चन, आप एक बार फिर से लिखना, क्योंकि बहुत पीछे जब स्क्रॉल हो जाता है, आई कांट गो बैक एंड सी द स्टफ। ओके, जयंत तिवारी जी, नेहा शर्मा जी, राजीव भट्ट जी, प्रणाम आपको भी, निधि गुप्ता जी, हरे कृष्णा। अभी दो तीन पैराग्राफ्स और हैं, उसमें भी बहुत प्यारे इन्फॉर्मेशन है, जस्ट हैंग ऑन, अभी मैं कुछ कमेंट्स देख लूँ एंड देन वी आर गोइंग टू रीड दोज सेक्शंस। यस, इन्फिनाइट नेम्स ऑफ लॉर्ड, वैसाखी जी, निधि जी, हरे कृष्णा, सरिता जी, यस इंडीड, नीलम कुकरेती जी, गौतम सू जी, हरे कृष्णा, स्वाति बत्रा जी, डेमी गॉड, यस नॉर्मली जैसे गणेश जी हो गए, अग्नि गॉड, मून गॉड, ऐसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, डेमी गॉड्स बोलते हैं। शिवांगिनी रेखा गुप्ता जी, निधि जी, वी शुड ऑलवेज हैव प्योर डिवोशन एंड फुल फेथ ऑन कृष्णा एंड फुली सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल नॉट लीव अस अलोन। एग्जैक्टली, भगवान के एश्योरेंसेस हैं भगवद गीता में, यू नो भगवान ने कहा है, बिकम माई डिवोटी, ऑफर योर ओबेसेंसेस टू मी, वर्शिप मी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंपल रिएक्शंस, डू नॉट फियर। एंड वाई भगवान ने ये भी बोला है, बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो इसी तरह हम सब भगवान को बहुत प्रिय हैं, ही इज वेटिंग फॉर अस, इट इज हिज पर्सनल लविंग इन्विटेशन टू ऑल ऑफ अस। इन भागवत गीता भगवान इज गिविंग अस द डायरेक्शंस थ्रू द पास टाइम विद अर्जुन। गुडुराज जी, नेहा सुकेश जी, माँ चैंटिंग तब भी कर सकते हैं जब हम, यस हर वक्त
any person can do the chanting anytime in any state. Hari bol. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें. हरे कृष्णा. तो ये जो हम पैराग्राफ अब कर रहे हैं, देखिए हमने पहला पर्पट वर्स 7 का पहला पैराग्राफ हमने किया, जिसमें एंड में हमने ये अभी डिस्कस किया कि ऑफेंसेस अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देन चैंटिंग इज नॉट इफेक्टिव. ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं और यहाँ लिखा है द होली नेम हैज़ टू बी चैंटेड टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड एंड नॉट फॉर एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन और प्रोफेशनल पर्पस. और इसीलिए ऑफेंसेस की लिस्ट है और उसमें एक मेजर ऑफेंस है कि कोई भी फ्रूटिव एक्टिविटी के लिए होली नेम चैंट नहीं करना चाहिए कि भाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज़ प्लीज़ भगवान लेट मी टॉप इन दिस एग्जाम, भगवान प्लीज़ आई वॉन्ट टू हैव अ बंगला गाड़ी ब्यूटिफुल वाइफ. नो नो नो, we don't chant holy names to please ourselves, to make Bhagwan the order supplier, but we chant to please the Lord. Okay, so if this pure mentality is there, then even though a person is born of a low family such as dog eaters, he is so glorious that not only has he purified himself but he is quite competent to deliver others. तो इसलिए पहले तो हमें चैंटिंग करके खुद को प्यूरिफाई करना है और उसके बाद हमें सभी को हेल्प करना है. वी हैव टू ऑल बिकम प्रीचर्स, वी हैव टू हेल्प एवरी सोल, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूअल नॉट टू शेयर कृष्णा, नॉट टू शेयर द होली नेम्स विद अदर्स. ओके, तो ऐसी प्योर मेंटेलिटी होनी चाहिए. यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, वो स्वयं इंडिया से पूरी वेस्टर्न कंट्री में आए इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ट अटैक्स. And he trained everybody. He brought the Westerners to the Brahmin level, Brahmin initiation diya. And then unhone jinko preach kiya, then they are preaching now all over the world, including the people in India. How beautiful and how glorious is that? So bataya ja raha hai, aisi souls are so glorious, even if they are born in the family of dog eaters, but because chanting ki hai, they have purified themselves, aur unme itni ability aa gayi hai, itna empowerment aa gaya hai, that they are competent to deliver others. And such people, such preachers are competent to speak on importance of transcendental name. और एग्जाम्पल दिया गया है हरिदास ठाकुर जी का, शिला हरिदास ठाकुर. यू नो शिला हरिदास ठाकुर इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉल्टेड वैष्णव पर्सनालिटीज इन चैतन्य चरितामृत में. इनका पूरा पास टाइम्स है और हमने इसे कवर भी किया है एक दो बार पिछले कुछ वीक्स में. इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पास टाइम्स. सो कभी अपॉर्चुनिटी हुई तो फिर से ज़रूर हम शिला हरिदास ठाकुर जी की लाइफ पास टाइम्स कवर करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी प्यूरिफाइंग टू डू श्रवणम ऑफ द लाइफ ऑफ द एग्जॉल्टेड द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. और उनके बारे में बताया जाता है ही वॉज अपेरेंटली बॉर्न इन द फैमिली ऑफ मोमेडन्स, बट बिकॉज वो चैंटिंग करते थे होली नेम्स का और ऑफेंसलेस ही करते थे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान कृष्ण के इनकारनेशन, हार्ट ऑफ राधा रानी एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ राधा रानी, बट ही केम एज एन अवतार अंडर कवर. ही केम टू डिलीवर ऑल द सोल्स, द फॉलन सोल्स इन द कली एज. और चैतन्य महाप्रभु ने उनको एम्पावर किया टू बिकम द अथॉरिटी और आचार्य. उनको बोला नाम आचार्य, श्रीला हरिदास ठाकुर जी को नाम आचार्य करके उन्होंने पुकारा और एम्पावर किया टू स्प्रेड द होली नेम्स. इट डिड नॉट मैटर दैट ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली विच वॉज नॉट फॉलोइंग द वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो द होल पॉइंट ऑफ अगेन एंड अगेन ये जो बात बोली जाती है ना कि ऐसा पर्सन जो कि डॉग ईटर्स की फैमिली में भी बॉर्न हो, यानी बहुत ही लोली फैमिली या फिर ऐसी फैमिली जो वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, ना ही उनकी कोई जानकारी है, it doesn't matter. The minute a person takes the holy names, chants the holy names, utters the holy name on the tip of the tongue, they become purified, they become empowered. Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu accepted who? Srila Haridas Thakur as an authority, because he was offenselessly chanting the holy name of the Lord.
एक बात याद रखना है, चैंटिंग करना है होली नेम्स का, और कैसे करना है, ऑफेंसलेसली। ओके, सो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किए थे, छह आइटम्स डिस्कस किए थे, राइट? वी डिस्कस सिक्स आइटम्स विच कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन अवर चैंटिंग। आई एम ऑल्सो एक्चुअली ट्राइंग टू रिमेम्बर, तो आइए आज रिविजन करते हैं वो छः पॉइंट क्या थे, क्योंकि बहुत समय से मैंने भी रिविजिट नहीं किया है, एंड मे बी आई हैव ऑल्सो फॉरगॉटन ऑल ऑफ देम, लेकिन मे बी विद योर हेल्प वी कैन रिवाइज इट अगेन। सो वॉट आर द सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आई हैड शेयर्ड विद यू ऑल विच कैन हेल्प अस इम्प्रूव अवर चैंटिंग? हरी बोल, प्लीज राइट इन द कमेंट्स, लेट मी सी। एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस अभी कर ही रहे हैं, वी शुड चैंट ऑफेंसलेसली, राइट? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट व्हाट आर द सिक्स स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग। आप में से बहुत सारे लोग उस सेशन में थे और काफ़ी आपकी रिमेम्बरेंस भी अच्छी है, लेकिन अगर किसी रीजन से आपको पूरे याद ना आए तो हम मिल के टुगेदर में बी विल फिगर आउट ऑल दोज सिक्स स्ट्रैटेजीज। वन ऑफ देम वॉज वी शुड चैंट ऑफेंसलेसली। सेकेंड, निधि जी, टू प्यूरिफाई नॉट टू फुलफिल मटेरियल नीड्स डिजायर्स डू श्रवणम पास टाइम्स ऑफ डिवोटीज। ये जो आपने लिखा है आंसर, ये बहुत अच्छा है। यस, दिस इज व्हाट हाउ वी कैन एनहेंस अवर चैंटिंग। लेकिन स्पेसिफिक जो सिक्स टिप्स थी उसमें एक था वी शुड चैंट ऑफेंसलेसली, सेकेंड वी शुड चैंट विद द रिमेम्बरेंस ऑफ संबंध ज्ञान। What is sambandh gyan? See, we have a beautiful sambandh relationship, transcendental relationship. Devotees have a transcendental relationship with the Lord. We are the eternal souls. He is the sweet Lord. He is our Father. We are His part and parcel. So, we have this relationship, and the minute we chant His names, He is there for us. So, this is our relationship, and this relationship is eternal. So, इस संबंध ज्ञान को रिमेम्बर करते हुए जब हम चैंट करते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग हिज नेम, देन वी कैन चैंट बेटर। तो ये सेकेंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था ऑफेंसलेसली, सेकेंड संबंध ज्ञान। लेट मी सी, थर्ड नाम महिमा। वेरी गुड बॉनी बेटा। सो नाम महिमा, नो ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, इसके बारे में हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ना चाहिए कि हाउ ग्लोरियस आर द ग्लोरीज, ग्लोरियस आर द होली नेम्स। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, और इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो हमें तो चैंटिंग पूरे फेथ और डिवोशन से करनी है। सो पहला था ऑफेंसलेसली, दूसरा था संबंध ज्ञान, लेट्स रिमेंबर द संबंध ज्ञान, तीसरा लेट्स meditate on the glories of the holy name, and the fourth vandanam we have to chant in a prayerful mood. We are praying to the Lord, oh Lord Krishna, oh Mother Radhe, oh Lord Ram, please engage me in your service. Char point ho gaye, aaiye fifth wala, let's see who can remember the fifth one. Leelavati Gupta ji, Hare Krishna. Shatrupa ji, yes, we should chant without any desires, meaning we should chant for pleasure of Krishna. I'm trying to remember what were the six points. Hari bol. Sanjeev Kumar ji, Gabbu ji, Hare Krishna. Malika ji, do you remember? Vaisakhi ji, with pure love and devotion. Yes, Bonnie Vita, you got others also. Yes, Sharanagati, we should chant in a mood of surrender. Surrender ke six limbs hain. So there is an attitude of surrender. We should have that attitude of surrender. And the sixth point I just remembered, Vani Beta, we already covered offenselessly mein naam apradh aa jata hai. So the sixth point is humility, with all humility. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne Shiksha Ashtakam, Shri Shiksha Ashtakam jo 8 verses diye hain, usme very important key verse hai, Trinadapi Sunichena Tarurapi Sahishuna अमाने न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। मीनिंग वी शुड चैंट इन अ मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। व्हाट डस दैट मीन? मोर हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, एंड ऑलवेज रेडी टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेस्पेक्ट बैक फ्रॉम देम। इस मूड में जब हम चैंट करते हैं ना, तो हमारे जो हृदय के जो अनर्थ होते हैं वो हमें प्रॉब्लम नहीं देते हैं, डोंट बिकम इम्पेडिमेंट्स इन अवर चैंटिंग। सो इन दिस वे, यू नो, इफ वी ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज सिक्स पॉइंट्स, मे बी
टाइम एंड अगेन हम लोग इसका रिविजन करते रहेंगे सो दैट एवरीबडी रिमेंबर्स इट. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर हेल्पिंग मी रिमेंबर दीज, क्योंकि काफ़ी दिन जब हो जाते हैं वी डोंट रिवाइज इट, वी टेंड टू फॉरगेट, आवर सेंसेज आर सो डिफेक्टिव, है ना. हरी बोल भारती जी. यस बबलू जी, हरे कृष्णा. निधि जी आपने समराइज कर दिया, वेरी नाइस. वी शुड चैंट ऑफेंसलेसली विद संबंध ज्ञान, नाम महिमा ग्लोरीज ऑफ होली नेम, वंदनम टू चैंट इन प्रेयरफुल मूड, शरणागति सरेंडर मूड ऑफ सरेंडर. एंड यू हैव मिस्ड टू पॉइंट्स, एक है मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, राइट, एंड यू कैन चेक आउट विच इज द अदर वन, बट थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग एवरीथिंग. हरी बोल मोनिका ग्रोवर जी, हरे कृष्णा. आइए अब आगे पढ़ते हैं. लेट्स कम बैक टू, लेट मी शेयर दिस वर्स का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है एंड दे डोंट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. तो हमने जो पहले एक माला चैंट की उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम की वर्स पढ़ पढ़ रहे हैं और चैंटिंग के बारे में, ग्लोरीज के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वैशाखी जी थैंक यू सो मच. ऑफेंसलेसली चैंट विदाउट नाम अपराध, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ संबंध ज्ञान, नाम महिमा वी शुड रीड मोर, वंदनम इन अ मूड ऑफ प्रेयरफुल मूड, शरणागति एटीट्यूड ऑफ सरेंडर एंड मूड ऑफ ह्यूमिलिटी. परफेक्ट एवरीबडी, प्लीज पेस्ट. वैशाखी जी ने जो अभी शेयर किया है इसको सेव कर लीजिए, दिस इज रियली रियली हेल्पफुल. अगली बार जब आप चैंट करेंगे और आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड होंगे. बाय द वे अटेंटिवनेस का भी पॉइंट था. लेट मी सी 1 2 3 4 5 6, देयर वाज अ पॉइंट ऑन अटेंटिव. वी शुड ट्राई टू चैंट अटेंटिवली. एक्चुअली अटेंटिवनेस हैपेंस व्हेन वी आर नॉट मेकिंग एनी ऑफेंसेस. सो ऑफेंसेस के साथ अटेंटिवनेस भी लगा दीजिए, देन दिस इज द कंप्लीट लिस्ट. थैंक यू सो मच. हरी बोल. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द पर्पज. हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में पढ़ रहे थे. सो इट डज नॉट मैटर वो मोमेडन की फैमिली में हुए थे जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और दादा प्रभु ने उन्हें नामाचार्य की ऑथोरिटी, उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी और ऑथोरिटी की तरह एक्सेप्ट किया बिकॉज वो ऑफेंसलेसली चैंट करते थे और सभी ने एक्सेप्ट कर लिया. अद्वैता प्रभु और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने कि श्री हरिदास ठाकुर जी ने हर तरीके की ऑस्टेरिटी की है, वेदास पढ़े हैं और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए हैं. ओके, दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. सो ऑलराइट, सो आगे का जो पूरा पैराग्राफ है उसका मैं आपको एसेंस बता दूं कि अ पर्सन डज नॉट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ टू बिकम प्यूरिफाइड. जैसे ही ऑफेंसलेस चैंटिंग करते हैं, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट पर्सन इज अ प्योर डिवोटी, ही इज प्यूरिफाइड. उसने सब तरीके की राइट्स एंड रिचुअल्स कर ली हैं, वैदिक सेक्रीफाइसेस कर लिए हैं और फिर This is how the chanters of the holy names are considered glorious. अब अगले पैराग्राफ में आते हैं जहां पर दिया हुआ है the word juhuvuh means that the chanters of the holy name have already performed all sacrifices. इस पैराग्राफ के भी एंड पर हम आ सकते हैं. यहां पर आर्यन कौन होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और हम आपको पहले बता चुके हैं ऐसे ग्लोरियस चैंटर्स जो भगवान के होली नेम्स ऑफेंसलेसली चैंट करते हैं उनको आर्यंस की तरह क्वालिफाइड माना जाना चाहिए. आर्यंस बहुत ही सिविलाइज्ड माने जाते हैं, उनके मैनर्स बहुत रेगुलेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक रिचुअल्स. और एनी डिवोटी हु इज चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड इज बेस्ट काइंड ऑफ आर्यन, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है. लेट्स कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. अब ग्रणंती वर्ड बताया है, उसका मतलब है established in perfectional stage of ritualistic performances. ठीक है, if one is seated on bench of high court and is giving judgment on cases, example दिया गया है, जो जज होते हैं तो मानते हैं कि उन्होंने सारे legal exam pass किए हुए हैं and he is better than any of those who are engaged in study of law. इसी तरह जो person holy names chant करते हैं, यहाँ पे आप मान के चलिए प्रभुपाद
is implying the people who are chanting holy names offenselessly, या बार बार offenselessly नहीं लिखा है, but हमारी understanding के लिए हमें मान के चलना है. In a similar way, persons who are chanting the holy name are transcendental to those who are factually performing the Vedic rituals and who are expected to be qualified, who expect to be qualified. In other words, those who are born in family of Brahmins but have not yet undergone the reformation process and who therefore expect to study Vedic rituals and perform sacrifice in future. यानी कि आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, just offensive chanting का ये magic है. अब आगे आते हैं लास्ट पैराग्राफ पर. देर आर मेनी वैदिक स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस सेइंग एनीवन हु चैंट्स होली नेम ऑफ द लॉर्ड बिकम्स इमीडिएटली फ्रीड ऑफ कंडीशन लाइफ एंड दैट एनीवन हु हियर्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. तो जो चैंट करते हैं वो इमीडिएटली फ्री हो जाते हैं कंडीशन लाइफ से, सिनफुल रिएक्शन से. यहाँ पर हर चीज़ के साथ में आप मान के चलिए ऑफेंसलेस चैंटिंग, ओके. एंड दैट एनीवन हु हियर्स होली नेम ऑफ द लॉर्ड इवन दो ही इज बॉर्न इन अ लो फैमिली ही बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट. व्हाई? क्योंकि होली नेम मीन्स भगवान हिमसेल्फ एंड भगवान इज ऑल ट्रांसेंडेंटल. भगवान्स बॉडी इज नॉट मटीरियल एंड भगवान इज नॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर. इसलिए भगवान इज अबव ऑल द क्लचेस ऑफ मटीरियल एंटेंगलमेंट. भगवान की एनर्जी है मटीरियल एनर्जी. सो व्हेन अ पर्सन टेक्स शेल्टर ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड वन बिकम्स फ्री, वन बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटीरियल एंटेंगलमेंट. एंड डज दैट मीन उस पर्सन को कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, उसके लाइफ में कुछ ट्रिबुलेशंस नहीं आएंगे, उसकी लाइफ में कोई रिवर्सल्स नहीं आएंगे? डज इट मीन दैट? नो, दैट डजंट मीन दैट. What does that mean then? What it means is in presence of any material distress or situation, the person will be a sage of steady mind, dhir. Srila Prabhupada apne jo different lectures usme bahut sari baatein explain karte hain aur uska ek particular point is waqt relevant jo hai main aapko bata rahi hu. Prabhupada ne बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है भगवद गीता में, जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तमस्य शिक्षस्व भारत. लेट मी गिव यू दिस वर्स. ये भगवद गीता में चैप्टर 2 में 14th वर्स है मोस्ट प्रोबेबली. लेट मी ओपन इट अप. यप. तो आप इस वक्त जो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज ओपन दिस वर्स. बिकॉज हमने अभी अभी श्रीमद् भागवत में पढ़ा कि मटेरियल एंटेंगलमेंट से फ्री हो जाता है एज अ पर्सन जो चैंट करता है होली नेम्स ऑफेंसलेसली, वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. तो ये बिल्कुल रेलेवेंट है कि वी शुड विजिट दिस वर्स नाउ, बिकॉज ये जो वर्स है ना ये बताती है कि किस तरीके से जब लाइफ की डुअलिटीज आती है ना, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हीट, कोल्ड एंड ऑल दैट, तो उसमें एटीट्यूड कैसा होना चाहिए फॉर एनी भक्त, एनी डिवोटी हु इज एस्पायरिंग टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड और हु हैज टेकन द शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि फिक्स योर माइंड ऑन माई लोटस फीट एंड परफॉर्म योर ड्यूटीज. और हम सब की सिचुएशन क्या है इस लाइफ में, इन दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस वी हैव टू मेक चॉइसेस एवरी डे, वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज एंड वी एक्सपीरियंस रिवर्सल्स ऑल्सो इन अवर लाइफ. देर आर गुड टाइम्स, देर आर बैड टाइम्स. तो ऐसे में हाउ डू वी कीप दैट फेथ? वी कीप दैट फेथ बाई टेकिंग शेल्टर ऑफ द टीचिंग्स ऑफ अ वैष्णव आचार्यस. We take shelter of the holy names. और लाइफ में जो dualities हैं, ये situations हैं, ये आती जाती रहेंगी. But होगा क्या, हमारा mindset बिल्कुल elevate हो जाएगा, हमें एक understanding develop हो जाएगी कि you know how do we see the will of the Lord behind all little happenings. The other day किसी ने example दिया था बहुत अच्छा हमारे live session में कि हम नीचे की messy embroidery देखते हैं पर ऊपर की फिनिश्ड एम्ब्रॉयडरी पूरा प्लान भगवान के हाथ में होता है और सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लान है भगवान का. तो आइए जल्दी से इस विजिट इस पर्टिकुलर वर्स को देख लें जो मैंने अभी आपके लिए शेयर की है. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को दे रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन
O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O son of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So chanting se kya hota hai? When someone engages in the devotional service, chanting is a type of devotional service, kirtanam. To डिवोशनल सर्विस के हमने सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे अभी लास्ट मंथ ही, राइट? वन ऑफ देम वाज उसके कारण प्यूरिफिकेशन होता है, द पर्सन इज इन ब्लिस, एंड ऑल्सो पर्सन्स द पर्सन हु इज एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस दे आर एबल टू एलिवेट आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस सिचुएशन विच अपियर लाइक टेम्पररी सिचुएशंस. ये सब टेम्पररी हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस दुखालयम अशाश्वतम. वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, टेम्पररी वर्ल्ड ऑफ मटीरियल मिजरीज. सो ये जो वर्स है इसलिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस की सिचुएशंस हैं, जो लाइफ के रिवर्सल्स हैं, ये आते हैं और डिसअपियर भी होता है, और इनका अपियरेंस और डिसअपियरेंस विंटर और समर सीजन की तरह होता है. और क्योंकि हमारे सेंसेस हैं सो वी परसीव थ्रू द सेंसेस एंड वी थिंक दैट दे आर रियल बट दे आर टेम्पररी. सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट दैम. डिस्टर्ब नहीं होना है हमें. वी हैव टू बी अ सेज ऑफ स्टडी माइंड. एंड हाउ डू वी डेवलप द टॉलरेंस? टॉलरेंस कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी. ओके, सो ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, ये जो वैष्णव क्वालिटीज है ना, दे डेवलप ओवर टाइम as one transcends from lower modes of nature, mode of ignorance or mode of passion. So jab hum elevate hote hain by taking krishna prasad, by hearing krishna katha, by sadhu sangha, by chanting of the holy names, by following the regulated life, then you know we develop more tolerance, we develop more humility, we develop more faith, and we become sage of steady mind. So, all right, so this is the verse. आप इसको रेफर कर सकते हैं, बाद में इसका परपट पढ़ सकते हैं, ठीक है? I hope this is helpful. So, let us go back now. अब आ रहा है वक्त for the question of the day. Hari bol, are you all ready for it? Hare Krishna. तो आप सभी से हमारा आज क्वेश्चन है, एंड यू कैन राइट वन सेंटेंस और सेवरल सेंटेंसेस, दैट्स फाइन. आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, यू कैन राइट योर रेस्पॉन्सेज. व्हाट इज द व्हाई आर द पीपल कॉल्ड ग्लोरियस हु चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड? Why is anyone called glorious who chants the holy names of the Lord? Is question ka aap response likhiye. Why is anyone called glorious who chants the holy name of the Lord? Aur yahan pe implied hai offenselessly. Okay? Why is anyone known or called glorious who chants the holy name of the Lord? इसका रेस्पॉन्स लिखिए. आई वुड लव टू सी योर रेस्पॉन्सेस, एंड आई एम चेकिंग योर क्वेश्चंस और कमेंट्स. नीतू जी, माता जी द्वादशी टाइम, फास्ट ब्रेकिंग का टाइम. नीतू जी, आपकी सिटी कौन सी है? डिपेंडिंग ऑन योर सिटी द फास्ट ब्रेकिंग टाइम में बी लिटिल डिफरेंट. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उस लिंक पर जाकर अपना सिटी का नेम दीजिए और आपको टाइम पता चल जाएगा, ठीक है? Fast breaking time. तो इस पर्टिकुलर वैष्णव कैलेंडर के लिंक पे आप अपनी फास्ट ब्रेकिंग टाइम चेक कर सकते हैं. ओके, सो लेट मी सी. नीरू जी, अनअफेक्टेड बाई डुअलिटीज ऑफ लाइफ. यस, जो प्रीवियस वर्स है. और इस वक्त हमने वाणी बेटा ने सिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोशनल सर्विस शेयर किया. वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स अ बिग हेल्प. Humility, Sharanagati, accepting those things which bring us closer to Krishna, ignoring unfavorable things,
having conviction Krishna will protect and accepting Krishna as our spiritual master. बनी बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटीट्यूड ऑफ सरेंडर के. ओके, और जो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं वो डिफरेंट हैं, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये जो आपने लिखे हैं ना सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर परफेक्ट सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूड ऑफ सरेंडर, शरणागति. ओके, एटीट्यूड ऑफ सरेंडर. थैंक यू. हरि बोल. हरे कृष्णा. राम खिंदरी जी, नरेंद्र वर्मा जी, वीना गुलाटी जी, वेलकम. आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यू नेम्स. सो आई जस्ट गेव अ क्वेश्चन टू ऑल द ऑडियंस. आई एम वेटिंग टू हियर रेस्पॉन्स फ्रॉम यू. हमने आज कैंटो 3 चैप्टर 33 की वर्स 6 और 7 डिस्कस की आप सभी के साथ. हमने डिस्कस किया, श्रवण किया एक्चुअली, how glorious are those souls who chant the holy names offenselessly, even though they may be born in a family of dog eaters or very low family. They may be born in the family of Brahmins or not, dono case covered hain. To agar koi chant karta hai holy names offenselessly, why are they considered glorious? Okay, iske bare mein शिला प्रभुपाद जी ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, हमने इन दो वर्सेस में पढ़ा है. आप रेफर करके एज इट इज़ पेस्ट भी कर सकते हैं रिलेवेंट स्टेटमेंट्स. आई वुड लव टू सी फ्रॉम यू हाउ यू कैन रिलेट टू इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट, अगर आपने ये पूरी टॉक ध्यान से सुनी थी तो. हरि बोल. लेट मी सी. हरे कृष्णा. लेट सी. Amisha ji, aapka response pehla. People who chant holy names of Lord are glorious because they have passed all purificatory ceremonies. Wonderful. Aur bhi kuch likha ja sakta hai. I am waiting for everyone to respond. And Amisha ji, feel free to write more if you wish to. Okay? Aap aur bhi kuch likh sakte hain comments mein. Nidhi Gupta ji, because one who chants offenselessly becomes purified. Yes, purification is one of the points. Yeah, they have passed all purificatory ceremonies. And then how is that helpful? Please elaborate. Sanjeev ji, with the blessings of holy Bhagwan ji, one becomes shining like gold who chants the holy name with dedication. Yes, this is another way to put it. Wonderful, Sanjeev ji. Thank you. Bell metal ka example diya gaya tha, even that becomes like gold. Really. Anugarh ji, because they get freed immediately from reaction of sinful activities and they have performed all Vedic rituals. Hari bol. Yes, exactly. Aapne bahut achha kiya, addition kiya hai yahan pe. They get free from sinful activities, reaction of sinful activities. I would love to read more. Nidhi ji, because one who chants offenselessly becomes purified and their sins are perished. Yes. Hare Krishna's reactions to the sinful, activities. That's what you mean, right? Archana Gupta ji, does chanting give divine protection? Yes, because chanting is a devotional service, one of the 9 processes of devotional service. और डिवोशनल सर्विस के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, बिकॉज अर्चना गुप्ता जी ने क्वेश्चन किया है, प्रोटेक्शन मिलता है क्या? यस, डिवोशनल सर्विस में एंगेज करने से वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद भगवान. द होली नेम्स आर नॉट डिफरेंट देन भगवान, एंड भगवान गिव्स ऑल द प्रोटेक्शन, बिकॉज इन अ मूड ऑफ सरेंडर इफ ऑफेंसलेसली समवन चैंट्स. तो चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन्ड है टीचिंग्स में कि इन द भाव ऑफ टोटल सरेंडर इफ समवन does bhakti or serves the Lord, they are guaranteed protection. The devotee depends on the Lord for protection. And because of that, the devotees become very purified because of devotional service. And jiske karan they become fearless. A big beautiful example is Prahlad. Prahlad Maharaj, unhone hamesha Bhagwan ka smaran kiya aur Bhagwan ne hamesha unko protection diya. So, करेंट कलियुग टाइम्स में चैंटिंग इज द रिकमेंडेड युग धर्मा, द रिकमेंडेड डिवोशनल सर्विस, एंड ऑल डिवोटीज गेट द बेनेडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन विद दैट. ओके, वैसाखी पढ़ी जी, दोज हु चैंट द होली नेम आर ग्लोरियस बिकॉज दे आर इमीडिएटली प्रिफर्ड गेट रिड ऑफ सिनफुल रिएक्शंस. यस,
Wonderful, Vaisakhi ji. Happy to see your response. Vinita ji, clarity, purification of thought and chanting. This is response to why is anyone considered glorious if they chant the holy names. Your response is good, but aapke main purification ke alawa bhi there is something which is missing in your response. Let's see if we can find that in others' responses. Seema ji, Hare Krishna. Good to see you today also. Hari Bol. Hari Bol. Dear friends, let me share with you our Facebook page information while we are waiting for responses. You all can connect with us through our Facebook page. Okay? Hare Krishna. Just send a message to us there and we can add you to our WhatsApp group if you're interested. Sanjeev ji, chanting of the holy name. Chanting of the Hari Naam associates us with holy Bhagwan ji and we shine in the gold shade of Bhagwan ji. Hare Krishna, आपका पहले भी इसी से related आपने लिखा था, वो हमने देख लिया था. Hare Krishna. Vilasini ji, Hare Krishna. Vaisakhi ji, even if born in lower family, by simply chanting holy name, one gets purified and become equal to Brahman. Yes. Yes, this is the point I was waiting to read. It is to be understood they have gone through all the reformatory processes to be qualified to be a Brahman. और इसलिए हम बात कर रहे थे कि chanting के बाद जो हरिनाम दीक्षा और फिर Brahman दीक्षा. परमेश्वरी जी, due to नाम जाप, it is the real wealth. Yes, yes, it is the real wealth. But we are talking about with reference to the two verses we just read. Archana Gupta ji, Nidhi Gupta ji, Hare Krishna. Let me see, did I miss any comments? Hare Krishna, let me see. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All right, we have two comments. Shatrupa ji and Bonnie Beta and Anthony. Okay, Anthony ji ka question hum cover karte hain. Pehle, let me read the response of Shatrupa and Bonnie Sehgal. Acceptable to mentally chant when in daily activity of work? Yes. Answer to your question is yes. Let's see the response of Shatrupa ji. One who is not born in a Vedic family can become glorious by only chanting name of Supreme Lord offenselessly because they have passed all sufferings in the past times, and when they take shelter of lotus feet of Lord Krishna, then that person gets purified from all sins and slowly they become glorious as they have self-realized, which is much needed to get rid of materialistic things, even if they are born in dog-eating family. Yes, Shatrupa ji, you covered it. And let us see what Bonnie Beta has mentioned. One who chants holy name of Lord is definitely glorious because he has attained the level of spirituality at which he can deliver and distribute the holy name and its importance to others, because he is at much better position than others who are willing to serve in coming future. By chanting the holy name, one purifies himself to such an extent that he now knows the importance of this human life, which he has been given not to satisfy his own desires and senses, but to engage those senses in loving, devotional and transcendental service to the Lord. And one who attained this level is definitely glorious in all circumstances. Hari Bol, Hare Krishna. Wow. I feel like clapping to all your responses. Together, all of you have covered. Aap sabhi ne is do purpose mein jo sum and substance hai, aap sabhi ke comments mein covered hai together. Okay? Recent jo humne padha, Bonnie Beta ne likha hai, one who chants the holy name of the Lord is glorious because number one, he has attained that level of spirituality, that level of purification jisme he can himself deliver and distribute the holy names to others. And Bhagwan loves such devotees who try to bring other souls closer to him. And it's important to others because he is at much better position than others who are willing to serve in coming future. By chanting the holy name, one purifies himself to such extent that he knows the importance of this human life.
which he has been given not to satisfy his own desires and senses, but to engage senses in transcendental living devotional service of the Lord. And iske alawa, we have to definitely we have to remember ki when someone chants the holy names of the Lord, we should understand that he has already gone through the reformatory rituals and is the level of Brahman, जिसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है. सो इसलिए सच सोल्स आर कंसिडर्ड वेरी ग्लोरियस. हरे कृष्णा. नवि गर्ग जी, हरी बोल. थैंक यू एवरीवन फॉर सच ब्यूटीफुल रेस्पॉन्सेस. नेमी सरन जी, रेणुमल नैनवानी जी, हरे कृष्णा. नीरू धल जी, दे हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, सो दे आर ग्लोरियस. यस नीरू जी. वीरेश्वर जी, राधे राधे. वरुण जी, बिकॉज दिस पर्सन हु चैंट ऑब्वियसली फ्री फ्रॉम सिनफुल फियरलेस ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, दे प्योरिफाइंग देमसेल्फ कमिंग क्लोजर टू लॉर्ड कृष्णा. यस वरुण छाबरा जी, हरि बोल. दैट इज वाई सच सोल्स आर ग्लोरियस एंड दे आर अवर रोल मॉडल्स एक्चुअली. यू नो, साधु संगा में वॉट डू? साधु संगा में वी चैंट, वी इंस्पायर ईच अदर. And you know, it is a practice in ISKCON temples in the morning. They all together, when they offer prayers after Mangal Aarti, they go through the list of 10 offenses every day so that everybody remembers it and they can then exercise it when they chant the Hare Krishna Maha Mantra. Rajesh Kumar Haldar ji, Hare Krishna. Swagat Mandal ji, Baisakhi ji, you are welcome. Hare Krishna, dear friends. I would like to end the session now. अगर आपके पास और कोई urgent spiritual inquiry नहीं है तो we can end the session now with a small kirtan. Would you like to have some kirtan? Let me see your response with enthusiasm. Let me see if you want to hear the kirtan, you want to participate in the kirtan. Hari bol. Let me see a few responses and we can start it. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट बिफोर वी एंड द सेशन एंड वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल कीर्तन. हरि बोल. सीमा शर्मा जी, बॉनी बेटा, अमीशा, लक्ष्मी जी, शत्रुपा जी, यस, ऑल राइट. थैंक यू एवरी वन सो मच. इतने लेट आवर्स में भी यू ऑल पार्टिसिपेट एंड यू मैनेज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू योर चैंटिंग एंड योर ड्यूटीज. इंडीड, ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्लेस्ड. इट्स अवर ग्रेट फॉर्च्यून एंड नाउ दैट वी आर ऑल चैंटिंग टुगेदर, वी आर ऑल ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा. प्लीज जॉइन मी. हरे कृष्णा. एंथनी जी, संजीव जी, वंडरफुल. अर्चना गुप्ता जी, लेट्स जॉइन फॉर द कीर्तन. आई एम गोइंग टू पॉज दिस म्यूजिक नाउ. Sure.
हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा अमीषा जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड फॉर टेकिंग टाइम इन नाइट टू प्रीच अबाउट ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड्स होली नेम्स। दिस इज सच अ ग्रेट सैक्रिफाइस एंड डेफिनेटली विदाउट डाउट कृष्णा इज प्लीज। हरि बोल। अमीषा जी, आई एम नॉट श्योर आप कहाँ पर लोकेटेड हैं, बट डेफिनेटली इट्स नाइट टाइम, लेट नाइट, इट सीम्स लाइक एट योर लोकेशन, सो मस्ट बी इंडिया। हमारे यहाँ पर इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। सो जस्ट स्प्रिंग इज आउट देयर, वी हैव चेरी ब्लॉसम, सो इट्स अ प्लेजेंट ब्यूटिफुल वार्म डे आउटसाइड। एंड आफ्टर द चैंटिंग ऑफ दिस चैंटिंग लाइव चैंटिंग सेशन, I plan to go back to resuming chanting my malas, rounds, more rounds, few more rounds today before I go back and start my other seva. And I hope you are all more inspired to come back again and do more shravanam and kirtanam like we all have got used to. Hum sab used to ho gaye hain ab. And we look forward to each other's association every day. And I wanted to actually ask you all. हमने पहले डिस्कस किया था और इस मंथ हम भागवत गीता की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले I have few topics in my mind which I can cover in these chanting sessions. Some of the nice topics I like to read and share are, for example, 24 gurus, you know, how in the creation we can realize the role of 24 gurus, you know. Srimad Bhagavatam mein, Uddhav Gita mein, iska narration hai,
And if you all like, I can cover that maybe tomorrow or one of the days. We have been talking a lot about, you know, how to overcome challenges in life and all that. So next, अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है, I can talk about 24 gurus, I can talk about चतुर श्लोकी गीता, जो 4 verses हैं भगवत गीता में, chapter 10 में, उन 4 verses में पूरी भगवत गीता का सार है. I can also talk about that, and we can also talk about few other topics. You can actually send me a message on WhatsApp. If you want me to cover any specific areas in these chanting sessions, that will be helpful. So please let me know, or you can also mention it here while we are discussing about it. Amisha ji, main India mein nahi hoon. I live in Washington DC, but I was born and raised in India only. So phir bhi dil hai Hindustani. Hare Krishna. So I would like to know from you, dear viewers, if there are any specific areas you need help with. So from the perspective of Srila Prabhupada's teachings, actually my focus area will be anything and everything which can help us develop that faith in chanting. Archana Gupta ji, hamara WhatsApp number hum yahan mention nahi karenge, lekin hum aapko bata sakte hain hamara Facebook पेज, जहाँ पर आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप की. आप या तो हमें नंबर आ जाएगा एंड देन वी कैन गेट कनेक्टेड. ओके, सो हरी बोल. सो सम ऑफ यू हैव सेंट मी सम टॉपिक्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू ऑल, and so it gives me a good idea. Actually, I have a few more minutes. Those of you who really want to go now, you want to go to bed, I won't mind, please go ahead, aap ja sakte hain. And those of you who would like to still stay back and discuss about what further topics can we discuss further in these chanting sessions or as separate sessions, we can discuss about that. And one more thing I wanted to share with you all. For many weeks now, हम लोग सवेरे, यानी हमारा early morning होता है, India का 3:35 PM होता है, we do a chanting call on Zoom. 40 minutes की call होती है, and this call is for so I am inviting all of you to join us in the chanting call and take benefit of it. Kyunki to chant with the devotees is really, really a rare opportunity, and it gives us all a beautiful experience to chant with the like-minded people. आज की जो verse थी, वो थी verse number 6 and 7. मैं 7th verse की link share कर रही हूँ, और इसी तरह आप 6 वर्स पर भी जा सकते हैं. ओके, बैक पे क्लिक करके. स्वाति बत्रा जी, वेलकम. स्वाति बत्रा वाधवानी जी, हरी बोल. आई एम सीइंग योर नेम फर्स्ट टाइम, मे बी यू आर न्यू टू दिस सेशन. इस वक्त हमारा ये सेशन एंड हो रहा है. हमने एक माला हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया था, उसके बाद हमने श्रीमद् भागवतम से वर्स नंबर 6 and 7 की टीचिंग्स डिस्कस की. उसके बाद हमने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई आर द सोल्स हु आर चैंटिंग द होली नेम्स, व्हाई आर दे कंसिडर्ड ग्लोरियस, और जिसके आप सभी ने बहुत ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज दिए. आपके रेफरेंस के लिए हमने शेयर किया है. और इस वक्त मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे कौन से एरियाज या टॉपिक्स हैं, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ देम. अदरवाइज आई विल जस्ट रैंडमली आई विल बी पिकिंग दोज टॉपिक्स जो सभी के बेनिफिट के हों, जैसे कि अभी तक मैं कर रही थी. हमने टर्न ऑफेंसेस की भी बात की है पास्ट में, हमने 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस डिस्कस किए हैं, और हमने ऑफन टाइम्स वी टॉक अबाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ अ गुरु. सो उसके बारे में हम थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहते हैं, हाउ थ्रू गुरु वी गेट द सीड ऑफ डिवोशन, एंड जो फिर भक्ति लता होती है, हाउ इट ग्रोज विद अ hearing and chanting of the holy names, and how we nourish that with more chanting. And we also talk about best practices in the life of devotion.
So these are different areas we have been talking about. Agar specifically, if you have anything else you want me to cover, let me know at least few days in advance so I can prepare for it. Because we have a vast encyclopedia available from Srila Prabhupada of these beautiful teachings. And then time to time we have appearance day of Vaishnav Acharyas. So hum unki life ke bare mein bhi study karte hain. Unki life se we take the teachings and the lessons. So we have been constantly talking about how important it is to chant the holy names. So other than that, does anyone have any other question? Amisha, how to join the Zoom call? Amisha ji, please get connected with us through WhatsApp aur wahan par hum share karte hain. We share that information there. Okay? Sanjeev ji, as in your speeches, Bengali touch is more. I don't even know Bengali, Sanjeev ji. Lekin I share the Bengali bhajans because those are the bhajans which are available. They are either in Sanskrit ya fir some khadi boli ya fir Bengali mein. Bhajans available hain, so I bring them and I share them with everyone. चतुर्श्लोकी को रिसाइट करें जी इफ पॉसिबल. ओके ठीक है, चतुर्श्लोकी गीता पर एक सेशन रख लेंगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल टू. वो चैप्टर 10 की वर्सेस हैं, वर्स नंबर 8, 9, 10 एंड 11. दोज आर द वर्सेस. ओके सो वी कैन डू दैट. एंड अदर देन दैट, इफ एनीवन हैज एनी प्रेफरेंस और एनी एरिया दे वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑन, प्लीज फील फ्री, डोंट बी शाय, लेट अस नो. We can cover those areas. Okay, so in time, when you know, in the past year actually humne Bhagavad Gita par lesson level par Jiva Tattva Prabhu ji ne classes di hain jo bahut hi essence provide karti hain summarized form mein. Wo bahut hi acche hain, unhe zarur dekh lijiyega. और हमने किए हैं भगवत गीता पे क्लासेस जिसमें पूरे चैप्टर का संस्कृत में रेसिटेशन किया विद इंग्लिश ट्रांसलेशन. उस उनमें से कई लेक्चर्स में पूरे चैप्टर की हमने समरी भी बताई है, मेन मैसेज भी बताया है. लेकिन अब जो भगवत गीता क्लासेस होंगी उसमें हम वर्स बाय वर्स जाएंगे और जैसे कि हम जानते हैं देर आर अराउंड 700 वर्सेज, सो इट विल टेक अ वाइल. मे बी इन एनी स्पेसिफिक सेशन वी मे डू मोर देन वन वर्स, सो दैट let us target to finish Bhagavad Gita in within a year. Okay, and then we will start after that. Jiva Tattva Prabhuji is doing Bhagavatam already. Maybe sometime after that we can start Chaitanya Charitamrita also, because Chaitanya Charitamrita se pastimes hum beech beech mein already discuss karte hain, lekin agar systematic uski study karenge to usse sabhi ko bahut benefit hoga. Swagat Mandal ji, Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच आप सभी को. संजीव जी, सीमा जी, विल बी लुकिंग फॉर जूम आई डी पासवर्ड. ओके, आई विल एड यू टू द ग्रुप वंस आई सी योर मैसेज सो दैट यू कैन गेट ऑल अवर अपडेट्स. ओके, लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस बिफोर आई एंड द सेशन. All right, I don't see any more messages. Dear viewers, thank you so much for joining us. As always, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavat Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Om Tat Sat, Hare Krishna. Hare Krishna, Amisha ji. Yes, WhatsApp is on Jiva Tattva Das page. You're right. Hari Bol, Monica ji. Hare Krishna. I'm going to end this live now. Okay? Hari Bol.